वॉइस स्क्रीन कैमरा बताइएगा। डन, शुरू करते हैं चैप्टर 3 कंसिडरेशन को। सर जी, हमें पता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस और उसके बाद क्या आती है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन कहते हैं बेनिफिट को, कंसिडरेशन कहते हैं वैल्यू को, जो कि एक बंदा दूसरे को उसकी प्रोडक्ट्स या उसकी सर्विसेज की अगेंस्ट प्रोवाइड करता है। वो वैल्यू, वो बेनिफिट जो एक बंदा दूसरे बंदे को प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर गुड इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ए ने बी से कहा कि मुझे ये पानी वाली बोतल खरीदनी है। बी ने ए से कहा भाई ये पानी वाली बोतल 100 रुपए की दूंगा, तो ये 100 रुपया एक बंदे के लिए कंसिडरेशन है और ये पानी की बोतल दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन बन जाएगी। सर जी, कंसिडरेशन के भी कुछ फीचर्स हैं, जिस तरह ऑफर के थे, एक्सेप्टेंस के थे, इसी तरह कंसिडरेशन के भी कुछ वैलिड एसेंशियल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सर जी, कंसिडरेशन किसी काम के करने को भी कह सकते हैं, किसी काम से बाज रहने को भी कह सकते हैं। जैसे बाप कहता है अपने बेटे से, फादर कहते हैं अपने बेटे से कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, तुमने सिगरेट पीना छोड़ देना। तो सिगरेट पीना छोड़ना इज बेसिकली व्हाट द फादर इज पेइंग फॉर। इसी तरह हम जो सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि यार तुमने ड्यूटी करनी है नाइट की, यानी कि हम उसको सोने से मना कर रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं, हम उसको पैसे दे रहे होते हैं। तो कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? कंसिडरेशन इज एनी एक्ट और इट कैन बी अब्सटेनेंस फ्रॉम एनी एक्ट। तो कंसिडरेशन आप किसी एक्ट को भी कह सकते हैं और किसी एक्ट से दूर रहना, यादर टू डू और नॉट टू डू। ऑफर क्या थी? ऑफर कैन बी टू डू अ थिंग एंड ऑफर कैन बी नॉट टू डू अ थिंग। तो कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट एंड इट कैन बी एन अब्सटेनेंस और फॉरबेयर। कंसिडरेशन याद रखिएगा, तीनों जहानों में पाया जाएगा, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी। आपने कॉलेज को आज फी पे की है कि हमने आपसे पढ़ना है, मगर क्या सारी क्लासें कॉलेज आपको आज के आज प्रोवाइड कर देगा? द आंसर इज नो। आपको क्लासेस मिलेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मगर सारी कंसिडरेशन तो आपने कॉलेज को आज पे कर दी। कॉलेज के लिए वो सारी कंसिडरेशन क्या है? प्रेजेंट। मगर आपको कंसिडरेशन कब मिलेगी? ओवर द वैल्यू ऑफ टाइम आपको मिलेगी फ्यूचर। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा मुझे चीनी चाहिए। दुकानदार ने कहा चीनी तो अभी नहीं है, तो मुझे पैसे दे जाओ, जैसे चीनी आएगी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। 5 तारीख को आप गए, 10 किलो चीनी के पैसे देकर आ गए। 10 तारीख को दुकानदार ने चीनी आपके घर भिजवा दी, क्या 10 तारीख को आप दोबारा से दुकानदार को पैसे देंगे उस चीनी के? नहीं, क्योंकि दुकानदार को कंसिडरेशन कब मिली? कब मिली दुकानदार को वो रेलिवेंट कंसिडरेशन? मुझे बताइए कब मिली थी? पास्ट में मिल गई थी। और आपको कब मिल गई है? हालत में। आपको हाल में मिल गई, उसको आपने पास्ट में कंसिडरेशन पे की। इसी तरह कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर मूव करती है। प्रोमिसर कौन है? ऑफरर। देखिए ऑफरर कौन होता है? ऑफरर वो शख्स होता है जो कि ऑफर को इनिशिएट करता है। अब अगर मुझे चीनी चाहिए तो मैं खुद चल के जाऊंगा, मैं ऑफरर हूं। दुकानदार को तो ख्वाब नहीं आएगा कि मुझको यार चीनी चाहिए होगी, इसको चीनी पहुंचा दो। मुझे खुद चलना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा, जाके बात करनी पड़ेगी, फिर मुझे वो चीनी मिलेगी। तो कंसिडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर काम करती है, जब तक ऑफर करने वाला खुद से ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगा, अगला बंदा उसको कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करेगा। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम द पर्सन एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप उसी बंदे से ही कंसिडरेशन ले रहे हैं। भैया आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कहा कि मुझे कॉलेज से बिजनेस लॉ पढ़ना है, प्रिंसिपल ने कहा फी है 30,000 रुपया, पैसे दो पढ़ लो। आपने 30,000 रुपया प्रिंसिपल को दे दिए, तो क्या प्रिंसिपल ने आपको पढ़ाना है या टीचर ने आपको पढ़ाना? बताएं, प्रिंसिपल आपको पढ़ाएगा या टीचर आपको पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। मगर आपने पैसे किसको दिए? आपने पैसे किसको दिए?
आपने पैसे दिए हैं किसको? प्रिंसिपल को, मगर आपको कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलेज का टीचर। तो कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। आपने टीचर को पैसे तो नहीं पे किए, हालांकि टीचर इज गिविंग यू सर्विसेज, तो कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। इट कैन बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। याद रखिएगा, कंसिडरेशन ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए दूसरा बंदा ऑलरेडी बाउंड ना हो। हम लोगों ने नॉर्मल इसके लिए मिसाल रखी हुई है वेटर। अब वेटर का ये फर्ज है कि वो आपको तमाम सर्विस दे, आपको खाना ला के दे, आपको बार बार आके पूछे, आपको अगर पानी चाहिए वो आपको पानी प्रोवाइड करे, तो ये वेटर के तमाम काम है। वो वेटर आपसे एक्स्ट्रा टिप, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डिमांड कर सकता। हाँ, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा करता है जो कि वो बाउंड बाय हिज ओन ड्यूटी नहीं है, जैसे उसने आपकी गाड़ी बाहर निकलवा दी, आपका वॉलेट वहां रह गया था, उसने वॉलेट आप तक पहुंचा दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि उसके रूल्स, जो कि उसकी ड्यूटी में नहीं आता, तो वहां पे यू आर बाउंड कि आप उसको पे करें, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो कि उसके बिजनेस में नहीं था, उसने आउटसाइड जाके आपकी फेवर की। इसी तरह अगर एक घर को आग लग जाए, खुदा ना खास्ता, फायर ब्रिगेड को बुलाया और कहा कि आग बुझाओ। अब फायर ब्रिगेड का काम क्या है? आग बुझाना। उनका काम ये नहीं होता कि सामान बचाए, और उस आग बुझाने के पैसे अलग से गवर्नमेंट देती है, जैसे उस वेटर को पैसे किससे दिए होंगे? रेस्टोरेंट ने दिए होंगे, जो उसको सैलरी मिलती है, वही सैलरी वेटर की भी है, वही सैलरी फायर ब्रिगेड वालों की भी है। तो आप फायर ब्रिगेड को कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आग बुझाने की नहीं देंगे। हाँ, अगर फायर ब्रिगेड वालों को आपने कहा कि भाई वो मेरी चौथी मंजिल में मोबाइल रह गया है, वो मोबाइल भी मुझे बचा के ला दो, और उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए वो ऑलरेडी बाउंड टू डू नहीं थे, कुछ एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने, कुछ वॉलंटरली आपके कहने पे कोई एक्स्ट्रा काम कर दिया, यहां पर अब आपका फर्ज बन गया कि अब आपको उनको थोड़े से पैसे देने चाहिए एज कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। मुर्दे को जिंदा करना, हंस के दिखा देना, खामोश रहना, ये सारी कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन को आप रियल टर्म्स में मैयर करते हैं, और अगर वो रियल टर्म्स में मैयर नहीं हो रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, ये इल्यूजरी है। हंस के दिखाना इल्यूजरी है। बट व्हाट इफ कि अगला एक मॉडल हो और उसको हंसने के ही पैसे दिए जाएं, तो उस वक्त वो इल्यूजरी नहीं है, उस वक्त वो रियल बन जाए। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये सारी बातें वही हैं जो कि अभी हमने पीछे इसके फीचर्स में देखा है, कि कंसिडरेशन किसके डिजाइन में काम करता है? प्रोमिसर के। ये फ्यूचर में भी है, पास्ट में भी है, और प्रेजेंट में भी है। टू डू है और एब्सटेनेंस भी है। तो जब आप सारे एसेंशियल्स को जोड़ देते हैं तो आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन मिल जाती है, जिसको आपने वर्ड बाय वर्ड क्रैम करना है। मेरी बात याद रखिएगा, डेफिनेशंस को आपने क्रैम करना है। विदाउट क्रैमिंग आप डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आप अपनी साइंस लगा रहे होंगे, और आई के आपको डेफिनेशन से बहुत प्यार है, वो पूछता भी अच्छी खासी है, और प्लीज डेफिनेशंस को आपने क्रैम करना है, उसको आपने अपने अल्फाज में डालने की कोशिश नहीं करनी। सर जी, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी किए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है? एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी। फर्ज करिए मेरे पास एक लैंड है, ओडब्ल्यू के पास लैंड है, ओडब्ल्यू ने वो लैंड डोनेट कर दी एक मस्जिद। तो मैं जो डोनेट कर रहा हूं और मस्जिद जिसको वो डोनेशन मिली है, अब रूल ये है कि डोनेशन या गिफ्ट उस वक्त माना जाएगा, उस वक्त वैलिड होगा, उस वक्त ये कंप्लीटेड माना जाएगा जब ये इन राइटिंग हुआ हो और कानून के कागजों में रजिस्टर हो गया हो। अगर सिर्फ मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें तो 1 लाख रुपया दूंगा, मैं तुम्हें तो प्लॉट दूंगा, जिस तरह ये वादे कर रहे हैं अशद भाई के साथ, तो वो गिफ्ट है। अनलेस
अनलेस वो कंप्लीटेड गिफ्ट उस वक्त बनेगा जब इन राइटिंग हो और ड्यूली रजिस्टर भी करवा लिया हो। अगर सिर्फ वादे कलामी बातें हो रही हैं, जबानी बातें हो रही हैं, तो वो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। याद रखिएगा, गिफ्ट आप लव्ड वंस को भी दे सकते हैं और गिफ्ट आप किसी और को भी दे सकते हैं। गिफ्ट आप उस बंदे को भी दे सकते हैं जिसका आपके साथ एक नेचुरल लव अफेक्शन है, और गिफ्ट आप किसी और को भी दे सकते हैं। अगर मैं नेचुरल लव अफेक्शन की बात करूं तो उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है जो कि गिफ्ट वाला है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जिनका आपके साथ वाकई में नेचुरल लव और अफेक्शन है। ऊपर वो लोग हैं जिनको आप शायद जानते भी ना हो, मगर नीचे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं और आपका उनके साथ खूनी रिश्ता। तो सर ये भी इन राइटिंग और ये भी रजिस्टर अंडर लॉ। और जरूरी क्या है, इसको मैं गिफ्ट से डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, ये वो लोग होते हैं जिनमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन पार्टीज के दरमियान पाया जाता है। तो अब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ सामान दे और वाइफ इन रिटर्न कुछ ना दे तो ये वैलिड है, ये अलाउ है, इसमें मसला नहीं। फिर आता है टाइम बाउंड डेट। टाइम बाउंड डेट एक ऐसा डेट होता है जिसको लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कह दे कि अब ये डेट डेट नहीं है, आप इसको इनकम रिकॉर्ड कर सकते। ए ने बी के पैसे देने थे, 3 साल गुजर गए, डेट टाइम बाउंड हो गया। अब ए को उन पैसों को अपनी इनकम बनाना पड़ेगा। क्यों? इसने बी को पैसे नहीं दिए, इसने पैसे बचाए, तो जो पैसे बचाए वो आपके इनकम। तो ये कहलाता है, ये है कॉन्सेप्ट टाइम बार डेट का। अगर एक पुराना डेट हो, ए ने बी के फर्ज करें 5 लाख रुपए देने थे, ए बी के पास गया, उसने बी से कहा कि यार तुम्हारे मैंने 5 लाख देने हैं, क्या तुम 3 लाख लेके ये डेट सेटल कर सकते हो? बी ने कहा चलो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, टाइम बार है तो मैं कम पैसे लेके सेटल कर दूं। अब प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट उस वक्त इनफोर्सेबल होगा जब बी ए से लिखवा लेगा, साइन करवा लेगा, और ये ऐसा डेट हो जिस पे लॉ ऑफ लिमिटेशन लग गया हो, तभी तो ये टाइम बार है। जी, तभी तो ये टाइम बार डेट कहलाएगा। यानी कि टाइम बार डेट उस वक्त बनता है जब 3 साल तक आप उसकी पेमेंट ना करें, तो लॉ कहता है कि अब इसको आप बैड डेट रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर बैड डेट रिकवरी हो जाए और कम पैसों पे हो रही हो तो बुक्स में कब रिकॉर्ड करनी है? जब इन राइटिंग हो, उस बंदे का साइन हो जाए और ये वाकई में टाइम बार का रूल इस पर लग रहा हो। And then promise to compensate past voluntary services. अब जरा सोचें, वो जो वेटर है जिसने आपके लिए एक्स्ट्रा काम किया है, वो जो फायर ब्रिगेड वाला जिसने आपके लिए एक्स्ट्रा काम किया है, आपने उस वक्त तो उनको मौके पे कुछ पैसे नहीं दिए, बाद में आपको एहसास हुआ कि यार उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए था, उसने मेरी हेल्प की थी, आई शुड हैव डन समथिंग फॉर हिम। अगर ऐसी चीज हो और आप चाहते हैं कि दूसरे बंदे को अब आप कंपनसेट करें, तो आप क्या करेंगे? उसके पास जाएंगे और उससे प्रॉमिस करेंगे कि यार तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया था, तुमने उस वक्त मेरे लिए बहुत कुछ किया था, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, आज मैं अमीर हूं, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो अगर आपने उसके साथ जाके वादा कर लिया है और अब आप विलिंग है उसके लिए कुछ करने के लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मगर आप उसको कुछ देने वाले हैं, कुछ देना चाहते हैं, उसका आपने वादा कर लिया है, It would be promised to compensate past voluntary services. ये चारों exceptions हैं consideration. फिर consideration में एक point आता है inadequacy वाला. Inadequacy ये है कि अगर फर्ज करें, मैं एक मिसाल के थ्रू ये बात क्लियर करता हूँ, inadequacy of consideration. यहाँ पर लिखते हैं, ए ने बी के साथ वादा किया था कि वो अपनी बाइक बी को 25,000 रुपए की बेचेगा। क्यों? उसको पैसों की जरूरत थी। अगर वो मार्केट में बेचने जाता तो उसको 50,000 तो मिल जाते, मगर पेमेंट 4 दिन के बाद होती।
तो यहां पे पेमेंट 25,000 विद इन सम आवर्स हो जाएगी। ए ने ये बात सी को बताई, सी ने कहा यार एक काम करो तुम्हें 25 दे रहा ना लो मैं तुम्हें 35 देता हूँ, पैसे पकड़ो और बाइक मुझे दे दो। ए ने वो बाइक सी को बेच दी। बी बेचारा शक्ल देखता रह गया कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ था, ये गलत। लॉ कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट है या नहीं है डजंट मैटर, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि इसकी ए की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर ये अपनी पसंद से अपने दिल से बी को 25,000 रुपए की बाइक दे रहा था और कोई और बंदा आके उसको ज्यादा पैसे दे के ये बाइक खरीद के ले जाए तो ए ने बी के साथ धोखा किया है। और अगर ए ये कहे कि भाई ये तो तुम मुझे कम पैसे दे रहे थे इसकी वजह से मैंने दूसरे को बाइक बेच दी, ये गलत है। लॉ कहता है कंसिडरेशन होनी चाहिए, बस जीरो ना हो, बस जीरो ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी एडुकेशन कम है या ज्यादा है वो हम पे छोड़ दो, हम फैसला करेंगे, मगर जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक रुपया होना चाहिए। तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो एडिक्वेट है या नहीं है वो लॉ कहता है हम पे छोड़ दो, हम उसका फैसला कर लेंगे। बट तुमने सिर्फ इस वजह से कि अगला बंदा तुम्हें इन एडिक्वेट कंसिडरेशन दे रहा है तुम ब्रीच कर जाओ, तुम बैकआउट कर जाओ, तुम धोखा दे लो, वो चीज गलत, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये था कंसिडरेशन। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट कहते हैं पर्पस, कि हम क्यों एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं। लॉ ने ये पांच चीजों को अलग कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है तो ये ऑब्जेक्ट वॉइड होगा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ है तो ये क्या होगा परमानेंटली वॉइड, जैसे कि फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने ही मना कर दिया है उस चीज की सेल परचेज। तो अगर तुम किसी ऐसे चीज को बेचना चाहते हो जिसको लॉ ने ही फॉरबिड कर दिया है, जिसको लॉ ने ही मना कर दिया है, तो उस वक्त जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है हम इसको वॉइड करार देंगे, हम इसको वॉइड करार देंगे। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसकी मिसाल कुछ यूं हो सकती है कि अगर इजाजत मिल जाए, अगर इजाजत मिल जाए तो हम दूसरे को धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि लॉ ने मना कर दिया ना। जिस तरह लॉ ने कहा कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लॉ ने ये कहा ना कि भाई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, डिस्क्वालिफाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, इंस्टॉलमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, वो लॉ ने फॉरबिडन कर दिया। लॉ ने कहा ये चीज है ही मना, ये चीज है ही मना, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। जिस तरह मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है या तुम मुझे रिश्वत दो मैं तुम्हारी सीट पक्की करवा दूंगा, तो रिश्वत लेना और राशि और मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही कौन है, जहन्नुमी है। तो इट इज फॉरबिडन वर्ड। अब अगर आपने रिश्वत के पैसे दे दिए और उसने आपकी सीट पक्की ना करवाई और आप चले गए कोर्ट, आपने कहा जनाब इसने मेरे से पैसे दिए थे इसने मेरी सीट पक्की नहीं करवाई है, तो मुझे लिहाजा पेनल्टी उस पर डाल के, डैमेज उस पर डाल के मुझे रीइंबर्स करवाएं, तो लॉ आपकी मदद इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। देन अगर उसकी नेचर कुछ ऐसी हो कि अगर एक दफा अलाउ कर दी जाए तो वो किसी और कानून की कोई और प्रोविजन को ब्रीच कर दे। जिस तरह हमें पता है कि ये जो शहद की बोतलें होती हैं, जो एल्कोहल होती है, आसान कर लेते, जो एल्कोहल होती है ये बिकती है 5-star होटल्स में जहां पे नॉन मुस्लिम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ये रूल पास हो जाए कि हर दुकान अल्कोहल रख सकती है मगर इस शर्त पे कि वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को बेचा करेगी, तो आपको लगता है कि हर दुकान वाला हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करेगा कि बताओ तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, या उस वक्त जो शराब है वो सरेआम बिकना शुरू हो जाएगी? डेफिनेटली वो उसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसको करने से किसी और कानून की किसी और प्रोविजन को इफेक्ट मिले, तो लॉ ने कहा कि भाई ये भी ऑब्जेक्ट खराब है, हम इस पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट इज मकसद, आप किस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना जा रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए, और अगर वही अनलॉफुल है तो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं बनेगा। वो अनलॉफुल कैसे होगा, जब वो
forbidden by law ho. वो unlawful कैसे होगा जब वो इस तरह का हो जिसको allow करने से कोई और provision खराब हो रही हो. फिर court ने उसको already immoral या opposed to public policy करार दे दिया. court ने कहा कि आप अपने बच्चे नहीं बेच सकते, immoral है, आप अपने आप को sell नहीं कर सकते, immoral है. तो कोर्ट ने उसको ऑलरेडी अगर इमोरल करार दे दिया है या अवाम के खिलाफ करार दे दिया है तो दूसरा बंदा इस मकसद के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. एक बंदे ने कहा तुम में से इतने पैसे लो मेरे खिलाफ केस ला करना, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. ये भी क्या है? इमोरल. फ्रॉडलेंट, अगर नियत ही धोखा देने की हो, नियत ही फ्रॉड करने की हो, चैप्टर फोर इसके ऊपर तसली से बात करेगा. अगर नियत ही आपकी धोखा देने की हो, फ्रॉड करने की हो, तो वो मकसद पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डबो देगा, उसको वॉइड कर देगा. और अगर मकसद ये है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को या दूसरे इंसान को इंजरी पहुंचाना, उसके साथ पोर्शन करना, जुल्म करना, जुल्म करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना, तो लॉ ने कहा कि भैया ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो वॉइड. It is also तो ये लिस्ट है. आई कैट ने दो तीन दफा ये लिस्ट पूछी है, ये आपने साथ में तैयार करने के लिए. चैप्टर टू चैप्टर थ्री हमारा यहाँ पे डन होता है. चैप्टर थ्री की एक आगे डिबेट है, ये हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स के साथ, सिक्स सेवन के साथ हम लोग इसको कवर कर रहे होंगे थर्ड डे. तो अब टू हमारा हो गया, थ्री हमारा हो गया. इन दोनों के पास पेपर्स को मैं अलग से फिजिकल क्लास की वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें मैंने सारे सवाल करवाए हुए हैं, रिसेंट पेपर भी करवाया हुआ है, तो वो मैं अभी ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा. इसका लेक्चर भी आपको डाउनलोड होके आ जाएगा, वीडियो लाजमी देखिएगा. और कल हमारी मुलाकात होगी मजीद चैप्टर्स के ऊपर. अभी मैं कुछ टाइम पे स्केड्यूल भी शेयर कर देता हूँ, ऑल्दो आप शायद मैनेजमेंट ने पहले शेयर कर भी दिया हुआ है. तो कल हम लोग ने मजीद कुछ चैप्टर्स करने हैं, आज दो हो गए, कल भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, परसों भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद पार्टनरशिप और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. अपना ख्याल रखिएगा, जितना आज रिवाइज किया है घर में इसको देखिएगा, इसके सवालों को सॉल्व कीजिएगा. कल मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफिज़.